हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर वाला। आज एक बहुत ही कैजुअल सी सिंपल सी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं बेसिकली जो मैंने टाइटल लिखा है उसको गलत साबित करूँगा। मैं पीसी नहीं बिल्ड करा, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करने वाला हूँ। मैं अपना केस चेंज कर रहा हूँ, अपनी केबल्स चेंज कर रहा हूँ और अपना कूलर चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर कर लिया जाए, बिकॉज अभी भी फुल रिकवरी तो नहीं हुई है। तो हम लोग भागा दौड़ी वाला कुछ काम नहीं करें, बहुत ही कैजुअल रखें सब कुछ। तो इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे वीडियो के इस एक मेन टॉपिक जिसकी वजह से वीडियो बनी है। एंड मैं बात कर रहा हूँ डीप कूल के केस की। मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मिनिमल ब्रांडिंग की है। ये डीप कूल का एक नया केस है जिसका नाम है CG560। उन्होंने भेजा था अलॉन्ग विद कूलर AK620। तो बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया अपने पुराने केस को देखते देखते मैं बोर हो गया था, और बताऊंगा क्या हालत हो रखी है मेरे इस डब्बे के मेन पीसी की। बाकी चैट वैट करते आगे जाके, तो काफ़ी कुछ है शेयर करने के लिए। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सो हम लोग पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद अनबॉक्स वगैरह करने के बाद देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। बिकॉज मैंने सिर्फ ना इसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी है, कोई वीडियोस वगैरह अभी तक देखी नहीं है। वैसे प्राइस जो है मैंने चेक किया था, प्राइस जो है करीब 6500 रुपये के आसपास का, जो ठीक है। मतलब नॉट बैड, एक मिड रेंज केस के लिए जिसमें बेसिक फीचर्स है, मिड टावर केस के लिए ये बहुत ज़्यादा छोटा केस नहीं है। एंड एक फीचर जो मैंने इसका नोटिस किया था वो था कि इसमें 175 मिलीमीटर कूलर्स तक का सपोर्ट है, जो काफ़ी बड़ा साइज़ है फॉर एयर कूलर। लोग नॉर्मली ना बढ़िया बढ़िया नाइफ्स यूज़ करते हैं, हम लोग अपनी सर्जिकल नाइफ यूज़ करते हैं बिकॉज ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, ज़्यादा अच्छा क्लीन कट्स निकालता है। और ये हैंडल्स बहुत बेकार लगते हैं। ये हैंडल होता है जो अंदर की तरफ फंस जाता है थर्माकोल में, बड़ा गुस्सा आता है उसके लिए। करंट लगेगा हमें। कुछ टूट गया, ये देखो क्या ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। वार्निंग बेवारेन सी प्लास्टिक बोतल ओबरहेल देर रेशरवेद वॉन बेबीज अंद किंदन ऑफ गफार वोन अस्तिकुम जी वर में देन। आई गेस ये जर्मन है, मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है। आई गेस ये जर्मनी है। NZXT H510 से बड़ा है थोड़ा सा। स्पेक्स आपके सामने स्क्रीन के सामने शो हो जाएगी, मैं स्पेक्स वगैरह नहीं कर रहा अभी। दिस इज समथिंग न्यू। छोटा सा फ्लैप है फॉर रिमूविंग द फिल्टर। ये रहा छोटा सा। यहाँ पे परफोरेशन डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है केस का। ये पूरी तरह स्क्वायर एंड पूरा ओपन है। मतलब एंड आई गेस ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। अगर आप में से कोई मैथ्स वगैरह ज्योमेट्री वगैरह वाले बंदे उनको पता होगा कि सर्कल से ज़्यादा सरफेस एरिया आपके स्क्वायर कटआउट में होगा, डिपेंडिंग मतलब अगर सेम उनका डायमीटर वगैरह होगा तो। टेम्पर ग्लास खोलने का तरीका बेसिक है, सिंपल स्लाइड वाला सिस्टम है। सीरियसली आज के दिन में ये मोलेक्स कनेक्टर फॉर फैन। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक 140 मिलीमीटर का एग्जॉस्ट फैन। हम लोग फ्रंट पैनल हटाते हैं। फ्रंट पैनल पूरा प्लास्टिक का बना है, देयर इज नो पीस ऑफ मेटल हियर। और अभी देखो, अब इन्होंने कहा है कि एयर फ्लो वाला, ये देख लो मैश, देख लो कितना ज़्यादा मैश है इसमें। तो ये जो मैश है ये बहुत ज़्यादा ऑब्ट्रूसिव है। मतलब अब इतने छोटे छोटे छेद है इसमें, तो स्टैटिक प्रेशर बनाना बड़ा मुश्किल होगा फैंस के लिए। एंड उससे भी बढ़कर इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक बहुत ही एलिमेंट्री मिस्टेक की है केस डिज़ाइन में। इन्होंने इतने ज़्यादा ऑब्ट्रूसिव मैश के बाद एक प्रॉपर डस्ट फिल्टर लगाया, जो कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती। बिकॉज उससे क्या होता है ना कि आपके फैंस को हवा खींचने में हमेशा ज़्यादा मुश्किल होगी। ये एक्चुअली स्क्वायर डिज़ाइन वाला है, जो इंटरेस्टिंग है। 120 मिलीमीटर फैंस, ARGB फैंस आपको मिलते हैं। 360 टॉप पे नहीं लगा सकते, 360 ऊपर जब 280 मिलीमीटर के लिए ही जगह है। बट पैनल के लिए सबसे बेस्ट रिजिडिटी नहीं है पैनल की, लेकिन विल बी फाइन। सो ये है कि इसका पीछे रियर वाला हिस्सा, मतलब जो भी है आपको समझ आ गया होगा। एज़ फॉर द केबल टाई पॉइंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है इस एरिया में, यहाँ पे एक भी नहीं है, जो अजीब बात है। दिस इज़ एक्चुअली रबर ग्रोमेट, और ये जो रबर ग्रोमेट्स हैं ये केस के स्टील स्ट्रक्चर के विद इन बिल्ट इन है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप लोगों को पता होगा कि केबल ग्रोमेट्स क्या होता है कि वो बस एक बाय फ्रिक्शन कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप है ना केबल्स वगैरह पास करते हैं, अगर कोई मोटी केबल पास करोगे तो वो केबल के साथ ही ग्रोमेट भी बाहर निकल आता है। यहाँ पे ऐसा मुझे लगता नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रोमेट है वो एक्चुअली स्टील पैनल के अंदर फिट है। आप आरजीबी को मदरबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर केस से डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इट्स वेरी सिंपलिस्टिक, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। इतनी सारी जगह है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना दो 3.5 इंच हार्ड ड्राइव्स की जगह तीन 3.5 इंच हार्ड ड्राइव्स की जगह होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस। दो हार्ड ड्राइव्स की जगह मेरे हिसाब से हमेशा कम रहती है, बाकी इट्स रिमूवेबल आई थिंक। तो ये है केस CG560। इट्स अ वेरी बेसिक केस ऑन पेपर, बिकॉज इसमें बहुत कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है, थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है, लेकिन वो मतलब कुछ इनोवेटिव नहीं कहूँगा मैं, लेकिन थोड़ा सा अलग करने की ज़रूर कोशिश की। तो शुरू करते हैं, अपना पुराना बिल्ड आता है उसके बारे में थोड़ा बताता है, उसके बाद एक्चुअली ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ये है हमारा आपके साथ मेन बेंचमार्क पीसी, बिकॉज दिस इज़ वेयर ऑल द मैजिक हैपन्स। ये जो केस है ये हमें कूलर मास्टर ने भेजा था MB511। इस बेसिकली इस पूरे पीसी के ऊपर अगर आप लोगों को स्पेक्स वगैरह जानना है, इसकी स्टोरी वगैरह जाननी है, तो इसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो बनाई, काफ़ी अच्छी खासी वीडियो बनाई थी। तब से लेके अभी तक ऑलमोस्ट ये सेम ही रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, बेसिकली स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन में ही अभी तक कुछ अपग्रेड नहीं हुआ टेक्निकली, ठीक है। तो इस सिस्टम को मैंने बहुत टाइम से साफ़ नहीं किया, बहुत टाइम से, मतलब लाइक पिछली दिवाली, मतलब जब से बनाया तब से टेक्निकली साफ़ कभी नहीं किया इसको, सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे फूक वगैरह मार के या फिर कपड़ा मार के हमने इसको रखा हुआ है, दिखेगा। तो भी थोड़ा सा एक्चुअली साफ़ हो गया, मेरे गलती से हाथ लग गया तो ये साफ़ हो चुका है, बट ये एक्चुअली इतना साफ़ है नहीं। होता ना कि जो अमीर लोग होते, जो बड़े लोग होते, कि चीज़ें जब पुरानी हो जाती है तो उनको मतलब साफ़ नहीं करते, रीयूज़ नहीं करते, उनको चेंज कर देते, तो हम लोग भी यही करेंगे। अच्छा, बात ऐसे है कि इस केस में सिर्फ 2 हार्ड ड्राइव लगती है, मेरे पास है हार्ड ड्राइव्स 3, तो तीसरी हार्ड ड्राइव में कहाँ लगाता है। कूलर मास्टर ने बहुत ही अच्छा सोल्यूशन सोचा इसके लिए फैक्ट्री में ही, कि क्या हो अगर है ना हार्ड ड्राइव रखने के लिए स्पेशल एक पॉकेट बनाया जाए, एक सेक्शन बनाया जाए। तो हमने अपनी 2 TB की सीगेट वाली हार्ड ड्राइव बड़े प्यार से, बड़े तरीके से यहाँ पे रखी हुई है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, आप मत करना अपने पीसी के साथ, अपनी हार्ड ड्राइव के साथ मत करना, अगर आपको अपना डेटा प्यारा हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, किसी भी तरीके से नहीं है। हमने पुराना कोर्सेर का एक हार्ड ड्राइव केज लिया, ट्रे लिया, उसको लपेटा हमारे एक सफ़ेद फोम से, थोड़ी सेलो टेप के साथ, नाइस क्वालिटी सेलो टेप आप दिख रहा होगा, और उसको हमने कवर किया हमारे स्पेशल एडिशन GIB कंप्यूटर ग्रुप माउस पैड के साथ। इसको बस आपको एंगल पे रखना होता है यहाँ पे, एंड केस की डायरेक्ट एयरफ्लो यहाँ से जाती है। दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्पॉइलर, मतलब ये एक स्प्लिटर की तरह काम करती है। कार्स के सामने स्प्लिटर्स लगा होता है, आप लोगों को पता होगा जो रेस कार्स वगैरह का जिन फॉलो वगैरह करते हैं, तो स्प्लिटर क्या करता है, वो हवा को ऊपर की तरफ डायरेक्ट करता है ताकि कार नीचे की तरफ डांस हो। तो ये भी एज अ स्प्लिटर की तरह काम करता है, जो भी हवा आती है उसको ऊपर की तरफ ग्राफिक्स कार्ड की तरफ डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। तो इट्स अ वेरी फंक्शनल डिज़ाइन, मतलब कूलर मास्टर ने सोचा था, लेकिन हमने इसको ज़्यादा एक अलग लेवल पर ले गए हम लोग। मैं तभी आप लोगों को कह रहा था कि 2 हार्ड ड्राइव स्पेस ना केसेस में कम होती है, 3 मिनिमम होनी चाहिए। जो भी हम लोग केस जिसमें अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है, तो वो उसमें अब देखो केस भी डीप कूल का होने वाला है, कूलर भी डीप कूल का होने वाला है। अब टेक्निकली पावर सप्लाई डीप कूल ने भेजी हुई थी बहुत पहले इसी के लिए, तो वो भी अगर चली जाती केस के साथ तो ठीक रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इस केस में जो भी केबल मैनेजमेंट हो रखी है ना, दिखने में भी ख़राब लग रही है, लेकिन दिस वॉज वेरी वेरी गुड। फोटो आपके सामने होगी, मतलब इट्स नॉट लाइक कि जस्ट नॉर्मल परमानेंट, इट्स एक्चुअली वेरी परमानेंट। यहाँ पे मैं इसको हिला नहीं सकता, दिस इज़ अ कम्प्लीटली प्रॉपरली डन रन। यहाँ पे भी सेम, ये हिल नहीं सकती। मैं सब कुछ भी हटा दूँ, मैं पावर सप्लाई नहीं निकाल सकता, बिकॉज द वे दिस केस हैज़ बिन केबल मैनेज। ये सारे ब्लेड्स वगैरह सारी अपनी जगह से निकल रही है, फैंस की ब्लेड पर्टिकुलर एंगल से निकल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे उस नए केस में, हम लोग थर्मलटेक की पावर सप्लाई यूज़ कर लेंगे, जो अच्छी है, वो भी अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई, वेरी गुड पावर सप्लाई। चेंज करते हैं, दूसरे सामान वगैरह निकाल के शिफ्ट करते हैं, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताते हैं डीप कूल के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। फंगस जम गई भाई, सही में फंगस आई है भाई, क्या फंगस आई है, क्या बात कर रहे हो। सो गाइज़ हमारा बिल्ड फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड हमने केबल मैनेजमेंट वगैरह कर ली, थोड़ी बहुत झलक आप लोगों ने अभी देखी होगी। यहाँ पे केबल टाइप पॉइंट्स कम है, जो जिस टाइप की मैं केबल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, ये जनरली जिस तरीके से लोग केबल मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए मे बी हर जगह उस जगह पे अवेलेबल ना हो जहाँ पे आपको जनरली ज़रूरत होगी। केबल मैनेजमेंट हुई है वो थोड़ी सी इस तरीके की हुई है, सबसे बेस्ट केबल मैनेजमेंट नहीं है जो आज तक हमने की है, लेकिन हमने कोशिश की है बस थोड़ा। फैंस की जो केबल्स है, जो पावर केबल्स है वो छोटी है। स्प्लिटर जो दिया गया उसको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छी बात लगी कि 5 5 वे स्प्लिटर दिया गया, तो आप 5 फैंस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनको PWM सिग्नल भेज सकते हैं बिकॉज वो 4 पिन स्प्लिटर है, वो अच्छी चीज़ थी। दूसरी तरफ इनका डीप कूल का हमेशा जो प्रोप्राइटरी वो GST कनेक्टर यूज़ करते हैं RGB के लिए, वो यूज़ किया गया है जो डेजी चेनिंग के साथ है, तो थोड़ा सा मतलब दिखता है। अगर आप केबल मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर सकते हो आपको छुपाने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो सकती है। इसमें कोई वर्टिकल माउंटिंग के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसके जो PCI स्लॉट्स है वो ओपन टाइप के हैं, तो आपको आफ्टर मार्केट मतलब कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई वर्टिकल माउंटिंग का ऑप्शन नहीं है GPU का, जो ठीक है। मतलब 5,500 रुपये में वैसे भी विश नहीं करता कुछ वैसा इंक्लूड करने का। दिखाया था कि जो रियर फैन है उसके साथ मोलेक्स कनेक्टर मिलता है, जो आई डोंट नो क्यों दिया गया है फालतू का। तो हमने क्या किया, सबसे बेस्ट चीज़ की वो है काट दी इसको, जो आप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता वारंटी का क्या सीन होगा, तो प्लीज़ अपने रिस्क पे ट्राई करना। छोटा सा RGB हब सा आया था वो हमने हटा दिया, आप उसको निकाल सकते हो, तो वो अच्छी बात है, एटलीस्ट मतलब वो जगह तो नहीं लगा, तो हमने वो हटा दी ताकि थोड़ी बहुत केबल मैनेजमेंट में आसानी हो जाए। अच्छा, हार्ड ड्राइव के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, पास आना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो ये जो फ्लैप है, तो बेसिकली हमने अपने हार्ड ड्राइव का प्यारा सा फोम कवर हटा दिया। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था कि इसका जो पैनल है वो थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर आ गया था, बट हमने वो फोम हटाने के बाद इट्स कम्प्लीटली फाइन। केबल मैनेजमेंट के लिए हाईली रिकमेंड करूँगा, आप ये जो गिज़गा की स्ट्रिप्स आती है वेलक्रो वाली, डबल साइडेड वाली, ये ज़रूर प्रीफर करना बिकॉज दीज आर एक्सीलेंट फॉर केबल मैनेजमेंट। अगर आप फाइनल नहीं भी कर रहे, अगर आपको सिर्फ टेम्प्रेरी भी केबल मैनेजमेंट करनी है ना, तो दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन चॉइस, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज तक हमें कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। ब्लैक वाली आती है, ब्लैक वाली हमने ट्राई की है, ब्लैक वाली क्या होती है ओवर टाइम वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है। दिस हैज़ नॉट गिवन अस एनी प्रॉब्लम टिल येट। मैं इनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, बाय करना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो मैं एक नोटिस की थी केबल मैनेजमेंट के टाइम, ये जो होल्स दिख रहे हो ये किसी काम के नहीं है। यहाँ से आप फ़ैन की केबल्स पास नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो आपको फ़ैन की केबल्स निकालने के लिए हब के थ्रू निकालनी पड़ेगी, जिससे आपके फैन ठीक से घूमेंगे, तो ये 2 छेदों का कोई फ़ायदा नहीं, सीरियसली बताऊँ तो। यहाँ पे कोई रीसेट बटन भी नहीं है, तो ये जो LED वाला बटन था बिकॉज हमने तो वो कंट्रोलर हटा दिया, तो खाली रह रहा है, तो इसको हम इसको यूज़ कर नहीं सकते अभी डायरेक्टली, तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट है। फॉर द प्राइस इट्स फाइन फॉर नॉर्मल बिल्ड्स। आई डोंट नो इसके साथ अभी कब कितने दिन तक यूज़ करेंगे। देखो अभी भी ये केस मेरे फाइनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है बिकॉज इसमें भी सिर्फ 2 हार्ड ड्राइव स्लॉट्स है, तो मैंने कूलर मास्टर से बात कर रहा हूँ, कुछ मे बी फैक्ट्री डिज़ाइन से बात करें ताकि कोई केस ऐसा किया जाए जो जिसमें प्रॉपर हार्ड ड्राइव माउंटिंग की जगह हो, ठीक है, एटलीस्ट 3-4 हार्ड ड्राइव की माउंटिंग की जगह हो। फिलहाल के लिए दिस इज़ माई केस फॉर फ्यू डेज़ और फ्यू वीक्स। आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो आप जाके बाय कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब में साथ करते रहें, मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।